चल बैठ 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 बैठ। अभी सुबह का बज रहा है 4 और मैं जा रहा हूँ काजल को स्टेशन छोड़ने के लिए। ये आज जा रहा है, 3-4 दिन बाद वापस आएगा, लेकिन अभी तो जा रहा है। आ जाइए आ जाइए, चाबी है यहाँ पे और घर में कोई भी नहीं उठा हुआ है। चलो गाड़ी में बैठ के वापस से मिलते हैं। खरगोश 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 खरगोश, अरे वाह 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 वाह, बेचारा ये ठंड से चल नहीं पा रहा है ना। नहीं, लाइट उसके आँख पे लग रहा है ना, गड्ढा हमेशा लगता है लाइट गर्मी में भी, समझा, वो ठंड से नहीं चल पा रहे हैं। भाई सुबह सुबह उठ के जाना ना ठंड में बहुत ही टफ काम है, बहुत ज्यादा टफ। और हम लोग कैसे उठ के जा रहे हैं वो हम ही को बताएं। मंगल को उठाने में इतना प्रॉब्लम हुआ ना मुझे, हाँ मंगल उठ ही नहीं रहा था, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसको उठाने में हुआ, इसको हिलाए जा रहा हूँ ये उठ ही नहीं रहा था। मेरा अलार्म कुछ और टाइम लगा हुआ था तो अलार्म पे उठा, मैं उठ गया, तुमको भी उठना था ना भाई। भाई हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में ना पूरा 1 घंटा पहले पहुंच गया स्टेशन। पहुंचने में टाइम कितना लगा शिमा? पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगा होगा। 15-20 मिनट लगा होगा। और दिन में कितना टाइम लगता है? दिन में 1 घंटा, एकदम ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं था। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं शायद चाय वाय पीने के लिए, कुछ तो पता नहीं क्या करने। थोड़ा सा आग लगा हुआ है, देखो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। वाह इतना प्यार आग के लिए, बाप रे भाई साहब। भाई तो काजल का ट्रेन मिल चुका है, ये वाला बोगी है काजल का, और अब हम लोग निकले यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रुक के इंतजार करना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। क्या करेंगे, रुक जाओ, अभी 1 घंटा है ट्रेन निकलने में। चलिए काजल मंगल बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी दिनों में आपसे वापस। मिलते हैं 2 दिनों में, इसने बोला है कि 3-4 दिनों में वापस आएगा, अब देखते हैं आता है या नहीं। वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं हुआ। पीछे काम नहीं बना, आगे धक्का दे रहा है। चालू हो गया, चालू हो गया, वाह। चलो अब सीधा घर जाके मिलते हैं आपसे। तो सुबह में इतना ज्यादा भूख लगा कि मैंने पोहा बनाया अपने हाथों से, और यहाँ पे पांडा जी आ चुके हैं। बाप रे बाप, ठंड बहुत ज्यादा है हमेशा की तरह, और सब लोग सो रहे हैं तो मेरे पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ये बना लिया है। तो अभी ये खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कोई उठता है तो ठीक, नहीं तो इंतज़ार करेंगे लोगों के उठने का हमेशा की तरह। गरम गरम चाय भी है साथ में। मैं ना झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मेरा पोहा सच में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। भाई साहब कितने इंतज़ार के बाद ये लोग अभी बाहर आ रहे हैं। मैं अभी से लगभग 6-7 घंटा पहले से ही जगा हुआ हूँ और ये लोग उस टाइम से ही सो रहे हैं। ये लोग लगभग 12 घंटा सोते हैं लगता है ऐसा रात में। 12 घंटा सुबह सुबह आए थे अपने मंडल जी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। गिनी मुझे शादी छोड़ के नहीं जा रही है। गिनी कहाँ जा रही है? गिनी जा रही है एक तक पास, हम इसको भगा रहे हैं। कौन बोला? मैंने बोला। अंटा बकवास न्यूज, घर में जगह मिलेगा, शांति मिलेगी। बहुत तगड़ा ठंडा है यार, अगर आपको देख के पता नहीं चल रहा है तो गिनी का जैकेट देखिए एक बार, इस जैकेट के मोटापे से आप लोग समझ सकते हैं। वही वाला पहनी हुई जो कल टट्टी पे लग गया था, ऊलन नहीं है, सब भीगा हुआ है। और ये अपने लिए लेके आई थी मैं, लेकिन मेरा दिल देखो मैंने दे दिया इसको। बहुत तेज मत बनो, सारा झुलफी काट देंगे ना तो वो भी देना पड़ेगा। चलो चलो एक बार पूरा कैंपस का राउंड लगा लिया जाए, और दौड़ दौड़ के लगाओ तब तक शरीर में गर्मी आ जाएगा जबरदस्त। अरे सुबह सुबह मत दौड़ा यार, मैं तो मैनेज कर लूंगा, तुम लोग कैसे मैनेज करोगी? ठंडा है ना यार? हाँ, दौड़ने में नहीं बन रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। मन कर रहा है वापस सो जाए जाके। 1 बज रहा है। एक कितना बज रहा है रे? हाँ ऑलमोस्ट, लो नहीं नहीं अभी सुबह का लगभग 10 बज रहा है, और कंडीशन देखो बाप रे बाप। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। जाओ जाओ पूजा करके आओ तुम, मैं भी नहा लेता हूँ, उसके बाद व्लॉग बनाएंगे। नहाने चलो यार, इतना ठंडा है सुबह सुबह। हाँ तो हालत, तो लोग आग नहीं जलाया वहाँ पे, जाके देखो आग है शायद। आओ तो देखो जरा एक मिनट, आग है कि नहीं यहाँ? देखो देखो शायद मेरे ख्याल से आग है, क्योंकि वो जला गया था। अरे 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 ये भगवान, नहीं है लग तो नहीं रहा। फूक देखो अंगारा और ये गर्मी थोड़ा थोड़ा नहीं है, घंटा आ गया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा नहीं गर्म, खाली राख है। अरे गर्म है, राख है, राख है। 15-20 मिनट पहले तक आग था, मतलब जलाया गया था, है ना, देखो 15 मिनट में ही बुझ गया।
चिंगारी। अच्छा हाँ है, है, कब जलाया था? अभी 15-20 मिनट पहले स्टाफ ने जलाया था। क्या आइडिया, जो भी आइडिया है अपना काम करो। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तुम लोग जो भी कर रही हो करो आराम से, जाओ। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है आज कि आज रात 7 बजे एक प्रैंक आ रहा है, मिस मत कर देना क्योंकि 7 बजे आग लगने वाला है। क्या हो रहा है? क्या तुम जल्दी कैमरा, तू लेके जाओ, तुम लेके जाओ। बबी भागा। अच्छा ये कल संडास में घुसी थी वो क्या? हम बोले थे कि नहा लो, तो हम नहीं नहाएंगे, मत नहाइए। आधा घंटा भाई हमारे घर पे ना आज मम्मी भी रिवील हो गई। मंगल को भी लपेटने के लिए बोलो मम्मी को। आ रहा है 12 बजे सो के उठ के, देखो दतून बचा रहा है। अरे देख देखो मगर दतून बचा रहा है ताकि पिटाए ना। अच्छा ये दतून वहां को सोनू लगा रखा था। सामने रखो दतून। अभी तुम लोग काम चीज दिखाते हो, हम मेरा दिखाई हो तो यहां नहीं जाके स्पेशली वीडियो दिखा के आई है मम्मी को। वीडियो बनाना तो इसका काम है, बना रहा है बेचारा। का हो गया तो तू ना फोन खोल के दिया है कल का वीडियो। हां तो मम्मी रोज देखती है, कल ही वाला देखी यार, आज से पहले नहीं देखी। शेर बन वो देख क्या कर रहा है? मना मना रहा है बाहर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसको छोको ना, वो भी कहीं ना आई है। हम देख रहे हैं, खाना का पानी लगा था, मम्मी नहीं ना आई है, मारो उसको। हम नहाए हैं मजबूरी में, ये हम पहने थे, बुझा समझ में आया? तुम्हारा मजबूरी मजबूरी, हमारा कोई ला कोई ला आए कि तुम लेकिन तुमने इसको नहलाने का धमकी तो दिया था ना। हुँ? तुमको नहलाने का गिनी ने धमकी दिया था ना कि नहला देंगे तुमको इसी पानी से। बाप रे हमारी मम्मी कितनी डेंजर है आज पता चल गया। हमारी मम्मी कितनी डेंजर है आज पता चल चुका है ना। पूजा बाप रे लाल हो गया, दिखा दिखा और दिखा दो। नहाने के बाद अलाउड होता है पागल। प्रोग्राम कब से चालू था? तुम पता नहीं कहाँ था, हम तो बचाने में लगे हुए थे बेचारी को। मम्मी पकड़ के नहलवाई है तब तुम आया है, तुम बहुत लेट से आया है। बचाने में नहीं लगी थी तुम, झूठ मत मार, जाकर नहा ले अंदर, उभी नहीं बचाएंगे अगला बार तुम्हारा। हम तुमको छोड़ के गए तब तुम पिटाई हो समझी, बहुत आई तू। मम्मी का लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा लेकिन मजा बहुत आया होगा। ले ले मम्मी फिर। ये भगो। भाई साहब जिंदगी में पहली बार I can't believe मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाप रे बाप, ये सच है क्या? साले अड़ामी तुम्हारा ही बारी है, तुमको नंगा करके मुर्गा बनवा के पिटाते हैं रूप पापा से। ये मम्मी का रुद्र रूप आज सबने मम्मी भी पूरा किया। ठंडा लगा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। हमी तो मम्मी से भी बोले हैं कि मम्मी इसी की वजह से तुम बता कि नहीं, इसी वजह से खुशी थी ना। मंगल कुछ खुश खुश कर रहा था शायद, पता नहीं रिकॉर्ड। क्या मुंह दिखाओ? पता क्या? यार
क्या मेरा मुंह तेरा है देखो पब्लिक समझ गई, कुछ भी बोलती है पब्लिक समझ गई। सुबह से अभी भी ए भाई बार अभी दौड़ो मत यार, सुबह में भी तुम लोग दौड़े थे अभी फिर से दौड़ रहे हो यार प्लीज। अगर तुम मंगल हमसे नहीं पिटा तुमको मम्मी से बता देगा और रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। एक बार चेक करा दो ना मुंह, इसको डाउट है खैनी का। तो अब क्या, अब तो फेंक चुका होगा, इतने देर में तो फेंक चुका होगा। रास्ता चेक करो पूजा, रास्ता चेक करो, जिस जिस रास्ते से ये दौड़ के गुजरा है उस रास्ता चेक करो। काल क्या, जो रास्ता से गुजरा है वो रास्ता चेक कर लो और क्या। आई थिंक यहाँ पे नहीं नहीं क्योंकि ना ये सच है ना, हमारे घर में ना ये काम बहुत पहले से किया जा रहा है। हम लोग बच्चे थे ना, इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक मैं पिटा हूँ, इतना पहले जैसे था नहीं, पहले जैसा तो नहीं लेकिन पिटे हैं। तो अपने बच्चों को जो 20-22 साल के बच्चे थे पूरा ही बेचारों को कच्चे पे गली में निकाल ली थी, चल भाग। हाँ 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 ये बात सत्य है, मंगल भी कच्चे में गुड़गांव में निकल गया था और गर्दन में पैम्पलेट लटका के ना, गर्दन में जूते का माला पहना था। एक बार जो स्कूल में फेल हुआ था उसके बाद वही वाला, मम्मी तो बोले जाके मम्मी से तभी जो आके मारी है पूजा को। हाँ ये भी शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, फुसफुस खुसफुस ऐसा आवाज आ रहा था। लेकिन पूजा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा यार कि तुम्हारा पिटते हुए और गिन्नी का ये मुर्गा वाला यहीं पे। साला हम पे आज दिन बहुत खराब है, हम भी पिटा गए। पता है अपने घर में ना सब कुछ चल सकता है लेकिन ये संडास में जाने वाला हरकत नहीं चल सकता है, और हो सकता है। हाँ ये नहीं, देखो शुद्धता के साथ में खेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये सच है, 1% भी नहीं। मोटरवा ऑन था तो बंद कर दे, कब से पानी बह रहा है चट्टा साला। अरे तो अच्छा तो हुआ ऑन था, हम यहाँ पे थूके बह के उधर चला गया। पानी से मजाक मत करो, तुम उठोगी तो हम बहुत पहले सो चुके हैं। हम तो आज उठी हो ना, तुम भी तो मंगल को टक्कर देती हो कभी कभी। हाँ ये बात तो सत्य है, बाप रे बाप। आपको ना मम्मी का लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा लेकिन मजा बहुत आया होगा। मैं ये सत्य कर देता हूं, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला कि तुम ललकार रही हो उसको, मतलब तुम गिन्नी को चिढ़ा रही हो अभी वो लात खाई तो। तुम कम हो कि आके यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम्हारे वजह से गिन्नी अंदर गई थी, हम ये बात बोल दिए थे मम्मी को, मम्मी आके मार दी और मार के बोली तुम ललकार मतलब चिढ़ा रही हो। ये देख खैनी जा रहा है, ये देख खैनी जा रहा है मंगल वाला। अरे देख, अरे देख 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 खैनी चेक कर, देखो काई है। काई है भाई, रुक पापा को बोल, हम जाते वक्त यहाँ पे थूके थे वो अभी तक बाहर भी चला गया। मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा इस घर में, हमको जहाँ तक पता है रोज तुम लोग सुबह शाम कुटाएगा। कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए। हम अपने साथ तुम लोगों को रखने से रहे, जहाँ भी जाएंगे अकेले। खराब करोगी ना तो मैं उतना ही के लिए दिखा दूंगा, ये देखिए पूजा दौड़ा रही थी गिन्नी को बचने के लिए, बेचारी कश्ती में घुस गई। और उसके पहले वाला सीन हम दिखा देंगे, उसके बाद तो पापा आपको निंदा करके बाहर निकाल देंगे। पापा मानेंगे ही नहीं, हम खेल जाएंगे बोल के वीडियो बना रहे पापा। अच्छा क्या ये खेल पूजा नहीं खेल सकती है? क्यों टट्टी का है ना क्या यार, टी 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 तुम लोग कितना टी यूज करते हो। तारी वाले बात पे तुम लोग पापा से खेल गए हो कि हम वीडियो बनाने के लिए पापा झूठ मूठ का उसमें पानी घोल के कर रहे थे एक्टिंग। अभी हम सच्चाई बता देंगे ना तो उसके बाद देखना, और कौन पापा से ये बात बोला है, या तो गिन्नी बोली होगी, चाहे मंगल बोला होगा, चाहे तुम भी बोला होगा। मैंने नहीं बोला है, क्या मेरा स्ट्रेट है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। पापा कह रहे थे कि बहुत मस्त एक्टिंग करता है। अच्छा हाँ, गिन्नी 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 शायद गिन्नी ने बोला है ये चीज, गिन्नी ने मुझे बताया है, उसने वीडियो डाला है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन गिन्नी मुझे बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहे थे हम लोग, ऐसा कुछ मतलब पता नहीं क्या। एक बतून बर्बाद हो गया, अरे तो उसको अंदर कहां जा रही हो फिर से? क्यों नहीं यही रहेगा, हर एक एक कोने पे एक एक डंडा रहेगा। हर एक कोने पे हम रखेंगे डंडा छड़ी ताकि मम्मी को आसानी से मिल जाए ना। तो बेचारी कुछ नहीं मिला है तो दतवन से मारी है, देखते हो बाप रे बाप, बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा इसको, नहीं तो बहुत मुश्किल है नींद का। रखो रखो, इससे बहुत चोट लगता है रे, तगड़ा वाला बहुत लगा होगा गिनिया को।
बस अब सुबह से शाम तक चहल पहल घर में बंद हो जाएगा क्योंकि दो लोग पिट चुके हैं। ये तो है, आज जो है ना थोड़ा मामला जो है शांत रहेगा घर में, मतलब ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं होगा क्या क्या नहीं होगा, कोई निकलेगा ही नहीं, सब अपने अपने जगह पर रहेंगे। तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी बत्तीसी हम साफ कर देंगे देख लेना। कोलगेट टाइट करते हुए फिर आप कल से नजर नहीं आएंगे, समझे? एक छड़ी और उसके बाद शांति। तुमको कैसा लगा ये बताओ? मेरा तो रोज का है, मैं तो हमेशा पीती रहती हूं। पता है मम्मी को बोले, हम देखो पूजा इतनी बड़ी है, उसको इतना समझदारी नहीं है कि वो जब घुस गई तो वहां पे जाके खड़े हो तो बदतमीजी कर रही है। अरे बाप रे बाप, अगर एक लग गया ना तो सट एकदम ऐसा लगेगा। मम्मी कह रही है हां पकड़ तू, मम्मी डायरी दी मेरे हाथ में। अच्छा हां हां, क्योंकि इसका गाल देखो ना, यहां पे गाल में थोड़ी ना मारा था, गाल में मारा था ऐसे करके, ऐसे मारा गाल पे ऐसे। मैंने नहीं दिखा, देखना उसमें वीडियो एडिट करते टाइम शायद दिखेगा। चलो भाई, पूजा को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतना प्रीशियस चीज रिकॉर्ड कर लिया मैंने। पूजा को धन्यवाद, अब नहीं बुलाएगी तुमको, मेरा वाला डिलीट कर दूंगा। तुम्हारा वाला ही तो एक्सपेंसिव है भाई। ना तुम्हारा ना कर भी तो देख, तो मुंडी कूट के रख दे, जो कर वो कर लो। तुम्हारा वाला मैं एट एनी कॉस्ट डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा वाला ही एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें रोज पिटते रहती है। तुम्हारा वाला ही तो है मेन। मैं ना सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है। मेरी इज्जत चली जाएगी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आएंगे तो वो तो उनको तो ओखली के मुस्तर से कूटा जाएगा। अच्छा ऐसा करेंगे तो तुम तो हाथ ही मत खाइयो यार। देख यहां पे ना, यहां पे देखो मार खाने में, यहां पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। गलती हो गया, मम्मी को यही दे देना चाहिए था उस वक्त। तो सोच लो कि गिल्ली को मारने के बाद तुम ही पीटी हो। बाप रे बाप, पापा ने ना मुझे इतने मोटे डंडे से मारा है, 5 डंडा। आज भी मुझे वो बात याद है। मेरे ऊपर मार बैट तोड़ दिया था यार, यही बैट रखा हुआ था इसी कुत्ते हरामी को। आए पापा यहां से उठ के, ये बैट है, अब मैं उधर से आ ही रही थी, ये मारे एक बैट बैट टूट गया। बैट हैंडल ऐसे और बैट ऐसे हो गया। चोट लगा तो लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूं। 15-20 दिन तक हाथ नहीं उठ रहा था, बहुत खतरनाक मारे थे पापा, लेकिन अब नहीं मारते वैसा। मगर तुम लोग तो पिटा हो गया, हम लोग नहीं बोले पिटाएंगे। चलो अपने अभी बंद ही नहीं करने दे रहा है मुझे वीडियो, ये बंद करने दो वीडियो अभी, थोड़ी देर बाद वापस से मिलते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो। तो गिन्नी मार खा के जा चुकी है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ खाना लेके, और बाकी सारे लोग शायद खा चुके हैं, खाली मैं ही बचा हुआ हूँ। यही देखो मेरे खाने में क्या है। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं भाई। तो खाना वाना तो खा लिया, और गिन्नी इधर मम्मी से मार खा के और बैठ के चाय पी रही है और कचहा बादाम खा रही है, मूंगफली खा रही है। क्योंकि मेरा व्रत है, अब पूजा दी को देखना कितना पाप चढ़ेगा, व्रत के दिन मुझे पिटवाई है इधर। मम्मी को पता नहीं था? नहीं, मम्मी को पता होता तब भी तुमको मारती। मिलके व्रत वाले दिन इतना पिटवाए हो ना, देखना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। कहाँ? अरे सुनू ने कोई मटर वटर का खेत देखा है, वही बोल रहे हैं चलने के लिए। तुम लोग जाना। हाँ देखते हैं क्या होता है आज। वैसे मैं भी चाय पी रहा हूँ, वो भी चाय पी रही है, और पूजा अभी मिसिंग है। अरे वाह, अभी ये उधर थी, अभी इधर आ गई। और गिन्नी पता है तुमको मंगल भी खाया है अभी पापा से, क्योंकि मम्मी ने कुछ जाके बोल दिया ना पापा को, और पापा ने मंगल को इस बात पे लपेट दिया कि मंगल बहुत लेट उठता है और ये सब ऐसा बोला, और बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मंगल को ये भी बोला कि अगर कल से उठोगे नहीं तो ऐसा ऐसा करके। लेकिन ये बंदा उठेगा कहाँ, ये मंगल जो है पहली बार नहीं गाली सुन रहा है। मम्मी का 10 डंडा, पापा का 1 थप्पड़ बराबर है। नहीं बात यह है कि मंगल पहले भी बहुत डांट सुन चुका है पापा से उठने के लिए, लेकिन आज तक ये सुधरा नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब देखते हैं कि कल से उठता है या नहीं। नहीं उठेगा, मुझे पता है नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी पापा ने तो बोला है इसको, लेकिन पापा की कौन सुनता है। पापा सुन लिया ना इस ब्लॉग में। हाँ तो कहाँ सुनता है मंगल, तो गलत क्या बोल रहा हूँ मैं। पूजा आओ ना थोड़ा बाहर, आग जला हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। फाइनली पूजा ने हमको 10 मिनट इंतज़ार करवाया, उसके बाद पूजा जो है प्रकट हो चुकी है हम सबके समक्ष। मूंगफली है ये, काहे को तुमको देंगे? तो आज तीनों खा चुके हैं, आज मेरे अलावा तीनों खा चुके हैं। मंगल भी पापा से खा चुका है, और पूजा तो खैर सबके सामने हाँ खाया है। मम्मी ने जाके कुछ बोला होगा पापा से। क्या दिख रहा है जैकेट, अब हम क्या करें, नहीं सूखा है तो सब कपड़ा भीगा हुआ है। हाँ पूजा नहा के निकली मेरी नजर के सामने, अभी मैंने देखा तो सब फैला है। आप क्यों डंडे खाए हैं? पापा से डंडा खाया है। छोड़ो भाई, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, बार बार मत बोलो। मुझे लटका नहीं है ना, मुँह में रसगुल्ला लग रहा है।
मंगल बहुत खुश है। रसगुल्ला क्या दूसरा चीज भी हो सकता है? हाँ क्या बताएंगे क्या है? मुस्कुरा रहे थे, बत्तीसी दिखा रहे थे, वाह। हम पिटाए थे तो मुस्कुरा रहे थे, चिपका था। आने वाले 5-10 दिन तक पूजा दीदी पिटाती रहे मम्मी से, क्योंकि आज मेरा व्रत था, तुम पिटवाई हो मम्मी से। वाह, तो व्रत करने से नहीं पिटाएंगे क्या? देखिए खेलिए संडास में, संडास मग्गा उठाई थी। वाह हाँ, कल वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा नहीं होगा ना तो देख लेना। आओ, आओ, ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। एकदम मग्गा उठा के पानी फेंक रही थी उसका। ये क्यों बचा है अभी तक? मैंने किया क्या है? क्या किया है? बस कैमरा लेके दौड़ रहा था आगे पीछे। मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। ओके डिसिप्लिन तो नहीं हो, बस कैमरे पे तुम दिखाते नहीं हो कि तुम क्या हो। डिसिप्लिन दिखा दे, अभी कैमरा खुला ही रखोगे? वो उस हिसाब से नहीं, मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ। तू भी बनाया करी ब्लॉग, हमने एडिट कर चुके थे, आके ये डिलीट किया है जो चीज हम रिकॉर्ड किए थे। वो डिसिप्लिन में नहीं आता, ठीक है? वो नेचुरल चीज होता है। वो मैं नहीं था, वो काजल था। हम सपोर्ट करेंगे शुभम का। वो डिसिप्लिन में आता ही नहीं है। नेचुरल ऐसा भी नेचुरल मत दुनिया को बाद नहीं बंद करवा देंगी। वाह क्या यार, वो वैसे मैं नहीं था, काजल था, वो मैंने नहीं किया था। नेचुरल को ना इतना भी नेचुरल मत रखो कि कोई मर जाए आदमी। मर काहे को जाए? ऐसा है तो सबसे पहले इस घर में दोषी पापा हो जाएंगे बेचारे। क्या बोल रही है यार, ये कैसे डालूंगा मैं? छी यार, मैं बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं मैं। जला इसको जल्दी यार, सबके पापा ऐसे ही होते हैं। ये गैस्ट्रो साइंस बर्बाद कर देगी गिन्नी। क्यों मन करो अंकल, तो आज का माहौल इसलिए शांत है क्योंकि कारण आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आज सबसे लकी साबित कौन हुआ है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने खाया नहीं है और ये तीनों खा चुके हैं। नहीं, आप लकी नहीं है, लगता है कि शाम तक आप ही की जबरदस्त कुटाई होगी तो वो व्लॉग में नहीं बन पाएगा। लेकिन इधर ट्रायल हुआ है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने किया क्या है? सोच तो रही हूँ क्या मैं ऐसा तुम्हारा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सबका फेवरेट हूँ। क्या किया होगा, कुछ तो किया होगा, सोचना पड़ेगा। कि नहीं, ये मेरे मुंह पे पाता था ना उस दिन, अरे इस पे नहीं पिटाएगा ना, ये बहुत बड़ी गलती है। लक्ष्मी बोलती है मम्मी हम लोगों को, अगर मम्मी सुन लेगी कि ऐसा किया है ये तो पिटेगी नहीं इसको। तुम बोल दो किसका कोई बड़ा फॉल्ट निकाल यार। मैं तुम लोगों को ओपन चैलेंज देता हूँ, हम लोगों को मम्मी ये पिटाएगा, दोनों से पिटाएगा। ये ओपन चैलेंज है तुम लोगों के लिए व्लॉग में, देखो ओपनली बोल रहा हूँ कि उनको बोल के मुझे पिटवा के दिखा। बेटा तुमको फंसाते कहीं ना कहीं से। ताड़ी पिया था ना रे अभी? वो ताड़ी नहीं पिया था मैंने, ठीक। तो फाइनली इतनी देर बाद आग जल चुका है, ये कब से एकदम धुआं दे रहा था, जल नहीं रहा था, और अभी तक सब लोग शांत ही हैं और शांत ही रहेंगे। पूजा तो यहाँ से ऐसे उड़ गई ना, देखो कहीं दिखाई नहीं देगी। गई उसको जहाँ जाना था। कहाँ गई है? कहाँ गई है? मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। चल दिए, कुछ हो रहा होगा। हाँ तो मैं देख के आ रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरा तो यही काम है। चलो देख के आते हैं पूजा क्या कर रही है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग आ जाओ आ जाओ, मिल गई। बाप रे, ये लड़की ना दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते रहती है, और ज़्यादातर ये फल खाना पसंद करती है, और घर का फल ये कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। आपको क्या दिक्कत है? मुझे भी घर का फल पसंद है, एक दो अगर मुझे तुम सेवन करवा दो तो अच्छी बात है। एक दे दो यार, क्या ज़बरदस्त, क्या तुमसे क्या लूँगा, पेड़ में से तोड़ लूँगा। भाई अमरूद बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी को खाना है तो हमारे घर पर आ सकता है। वाह क्या अमरूद निकाले, वहाँ पे है ना, वहाँ पे। अरे नहीं उससे अच्छा तुम्हारे हाथ में, बोला मत तोड़ो, ये वाला किधर है? ओए होए 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 आ गया। देखो मैं भी नहीं हूँ, तोड़। ये लोग भी आ गए, वाह। कैमरा मैंने ले लिया क्योंकि इसको कैच करना था। ए शिवम चपटा कर दे, चपटा कर दे, सड़ा हुआ है, हट होगी घंटा। ले ले अब तो काट दिया, अब तो नहीं लगाऊंगी बिना धोए रे। क्या यार, कोई तो दिखता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खोजे थे हम, तोड़ सकते हैं।
अगर तुम मेरे पैर तोड़ सकते हो, बस खाते ही हो। ये ना एक निशानी है कि अब ये कोई और नहीं खाएगा। खाया बिल्कुल। अब लीची भी आने वाला है कुछ दिन में। देखो मुंजर आना स्टार्ट हो गया है। अभी मत बोलो, पागल बोलते नहीं है। अरे रे ले 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 पकड़ इधर आ। अरे वाह यार क्या मस्त अमरूद है ये देखो। तुमसे कुछ ना होगा। फिर से लेके भाग शुम, फिर से लेके भाग 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 शुम शुम। मिल गया तोड़ो। खाली है। देखना पूजा दी पूछे फूल का पौधा है तो वो ना हो। अच्छे से उतारना। पूजा दी पूछ लेके भाग लेके भाग 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 भाग। खराब है खराब है, ले लो खराब है। नहीं ठीक है थोड़ा सा। शिवम दूसरे हाथ से इस फूल को साइड कर दो तो जैसे लोगों के पाँव ना लगे। एक आ गया ये जानवर। ये देखो मैंने फूल लगाया था यहाँ पे, हो गया है ये। ये शिवम सॉरी मंगल, शिवम पकड़ो कैमरा पकड़ो इस फूल को ना। शिवम पैर से दांग दिया और कह रहा है क्या कि अरे ये तो लहसुन है ना। खराब है क्या शिवम, कितना एक्सपेंसिव चीज है ये पता है तुमको। बस हम लोग इसके बीज को लहसुन लहसुन बोल रहे थे तो शिवम को लगा कि ये लहसुन है। देखो इधर वाला निकल रहा है ये सब। ये हम ही लगाए हैं, कोई और नहीं लगा देते है। लगाने टाइम तो आई नहीं, अभी खड़ा होकर भाषण ऐसे 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 बड़ा बड़ा डीगा मारेगी देखना। बस शिवम शिवम इधर जल्दी 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 आओ जल्दी। पूजा दीदी को बस पखाना के टंकी पे पहुंचा दो, उसके बाद तो हम कांड कर ही देंगे। फिर चढ़ गए। लो पकड़ो कैमरा पकड़ो। अब तुम क्या रे, बार बार तुम सब लोग अमरूद ही तोड़े जा रहे हो। ये लो अमरूद बहुत ही खराब टेस्ट है। मंगल ने सोचा कि लगी गिरा के पूजा का माथा फोड़ देगा लेकिन नहीं हो पाया। रहने दो मंगल, रहने दो यार, मुझे पता है वो खराब होगा, रहने दो नहीं चाहिए मुझे। ऐश करो ऐश करो पूजा। लेकिन मैं बताऊं कि पता नहीं क्यों हमारे अमरूद से ना मीठापन चला गया है। मुझे एक सब्सक्राइबर से बात पूछनी है। क्या आप लोग पांडा को मिस नहीं कर रहे? बेचारा पांडा को हम लोगों ने रूम में बंद करके रखा है क्योंकि उसका तबीयत खराब हो जा रहा है बाहर निकलने से, इसलिए। बाबे ठंड में अमरूद नहीं खाना चाहिए यार। फिर भाग गए लोग यार। ये इतना अच्छा है क्या? तीन तीन अमरूद रखा हुआ तो है नीचे में। तीनों कहाँ से दोगी? लोगे दो तीन ये उड़ा ली। वाह क्या बात क्या बात गिन्नी क्या बात। एक मेरे हाथ में है। ले गरीब तुमको देता है। ले पकड़ ये सड़ा हुआ किस्मत में है। एक तो सड़ा हुआ है उसमें बड़ा वाला। दो तीनों लो ये। हे भगवान ये अच्छा नहीं, इसमें क्या खास बात है? अच्छा ये हल्का कच्चा है इसलिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। छीन के तुम भागे मुझे काहे दे रहे हो? खा गया ले। खा ले ले था ना। खा गया मंगल। ये बात तो है। हमको आज तक किसी ने अमरूद खाते हुए नहीं देखा होगा। हाँ सही बोल रहे हो। पहला ऐसा अमरूद जो मैं खा रहा हूँ। मंगल फल खाना प्रेफर नहीं करता, पता नहीं क्यों। बिल्कुल नहीं, हम जैसे लोग रोटी खा के जीते हैं, रोटी। पूजा तीन तीन चार चार पांच पांच अमरूद खा जाती है एक एक बार में। पापा आ गए उधर, पापा आ गए। तो भाई सब लोग इधर उधर हो चुके हैं और मंगल और पापा सामने बैठे हुए हैं। मैं दिखा नहीं सकता लेकिन आज जो है व्लॉग में कुछ बहुत ही अलग हुआ है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आज पूजा मम्मी से मार खाई है और वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये कुछ बहुत ही अद्भुत था क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ही रेयर देखा है मार खाते हुए पूजा को। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और एक और चीज़ कि आज रात 7 बजे प्रैंक आने वाला है, तो हो सकता है कि ये वीडियो डलने से पहले आ चुका हो, तो प्रैंक वाले चैनल पर जाके देख लेना हमारा वीडियो। तो फिलहाल आज का ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।